माय डियर एट्थ क्लास स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अब चैप्टर नंबर थर्ड व्हिच इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक जैसे कि हम सभी क्लासेस में सबसे पहले हेडिंग का मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है सिंथैटिक फाइबर सन्थैटिक फाइबर क्या होता है सिंथेटिक का मीनिंग मैंने आपको सेवन्थ क्लास की वीडियो में भी समझाया हुआ है कि कोई भी फाइबर है ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइबर्स क्या होते हैं फाइबर होते हैं रेशे ठीक है अभी देखो कुछ रेशे जो होते हैं फाइबर जो होते हैं वो एनिमल एंड प्लांट्स से हमें मिल जाते हैं ठीक है थीके? जो फाइबर्स जो होते हैं हमें एनिमल एंड प्लांट्स में से नहीं मिलते ठीक है और वो मैन के दोबारा हम लोगों के दोबारा बनाए जाते हैं कुछ ना कुछ केमिकल यूज़ करके मींस कि उसमें उन Uh, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो जाती है जहाँ केमिकल से ही उनको बनाया जाता है वो होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स उसके बाद में प्लास्टिक प्लास्टिक आपको पता ही है कि क्या होती है जो uh, बहुत सारे टॉयज वगैरह समथिंग बहुत कुछ बनाने के लिए प्लास्टिक का यूज किया जाता है ठीक है तो आप इस चैप्टर में सिंथेटिक फाइबर मीन्स की जो फाइबर्स मैन द्वारा बनाए जाते हैं एंड प्लास्टिक बनाए जाते हैं उनके बारे में इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे तो चलो अभी हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं देखो स्टूडेंट्स द क्लोथ्स विच वी वेयर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स जो क्लोथ्स हम वेयर करते हैं पहनते हैं वो किसके बने होते हैं फैब्रिक्स के फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स अपटेंड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेस एंड जो फैब्रिक्स होते हैं वो कहाँ से बने होते हैं वो भी फाइबर से ही बने होते हैं जो कहाँ से मिलते हैं हमें नेचुरल वे में से मिलते हैं जैसे प्लांट्स हो गए एनिमल्स हो गए ठीक है या फिर आर्टिफिशियल सोर्सेज से मिलते हैं आर्टिफिशियल सोर्सेज क्या हो गए कि जो इंसान जो हम लोग क्या करते हैं कैमिकल्स को यूज़ करके बनाते हैं ठीक है कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स यस जैसे कौन कौन से नैचुरल फाइबर्स हो गए जैसे वूल हो गया सिल्क हो गया ठीक है वो नेचुरल फाइबर्स में से आ जाते हैं फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग लार्ज वराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स जो फाइबर्स होते हैं उनको हाउस होल्ड गर की चीजें बनाने में भी उनका यूज़ किया जाता है मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्राम फाइबर्स आप लोगों ने उसकी लिस्ट बनानी है जिनमें जिनको बनाया जाता है किन से यूज़ करके फाइबर्स को यूज़ करके ट्राई टू सेपरेट दैम इंटू दोज मेड फ्राम नेचुरल फ़ाइबर्स आप लोगों ने उनको ट्राई करना है कि सेपरेट करके लिखो कि कौन से नेचुरल फाइबर से बनाए जाते हैं एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड जो आर्टिफिशियल फाइबर से बनाए जाते हैं ठीक है उनको आपने सेपरेट करके लिखने की कोशिश करनी है मेक एंट्रीज इन टेबल थ्री पॉइंट वन और उनको आपने टेबल थ्री पॉइंट वन में लिखना है उसके बाद में स्टूडेंट आप ये टेबल देख रहे हो थ्री पॉइंट वन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है नेम ऑफ आर्टिकल्स जो चीज हम बना रहे हैं फाइबर से ठीक है बन रही है टाइप ऑफ फाइबर उसमें कौन सा फाइबर यूज किया जा रहा है वो नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल है आपने यहाँ पे लिखना है ओके स्टूडेंट्स देखो मैंने ये टेबल यहाँ पे फिल करके रखा है आप यहाँ से देखकर इसको सॉल्व कर सकते हो जैसे रोप्स हो गया वो लाइनों से बना होता है वो आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं ठीक है सॉक्स है वो एसाइक्रिक्स से बनाई जाती है और वो भी क्या है एक आर्टिफिशियल फाइबर है बॉटल्स वो पॉलीएस्टर से बनाई जाती है वो भी क्या एक है एक आर्टिफिशियल है फाइबर ठीक है लाइफ जैकेट्स हो गई एंड मैट ये दोनों किस चीज़ से बनी है नेचुरल फाइबर जैसे मैट जो है वो जूट के साथ बनता है जूट से ठीक है तो आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हो यहाँ से ओके नाउ वाइट डिड यू लेवल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि आपने कुछ फाइबर्स को आर्टिफिशियली आर्टिफिशियल फाइबर क्यों बोला और क्यों लेबल किया ठीक है अभी अब देखते हैं हम आगे हैव यू रीड इन योर प्रिवियस क्लास क्लासेस दैच नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन वूल सिल्क एक्सेट्रा ऑबटेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स आपको पता आपने पिछली क्लासेस में ये पढ़ लिया है कि जो नेचुरल फाइबर्स है लाइक कॉटन वूल सिल्क वो हमें कहाँ से मिलते हैं प्लांट्स एंड एनिमल से मिलते हैं द सिंथेटिक फाइबर्स अब यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स मीन्स की जो सिंथेटिक फाइबर है वो मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स द्वारा बनाए जाते हैं दैट्स वाई दीज आर कॉल सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स इसीलिए उनको क्या बोला जाता है सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स पता चल गया आपको ठीक है तो, तो अभी आप और सिंथेटिक फाइबर की एग्जाम्पल्स को फाइंड आउट करना शुरू करो ये आपके लिए छोटी सी एक्टिविटी है आगे देखो स्टूडेंट्स थ्री पॉइंट वन आर सिंथेटिक फाइबर्स हो गॉड यहाँ पे भी यही क्वेश्चन आ गया चलो अभी इसमें हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या नया दिया गया आपको ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फॉर फाउंड इन ए नेकलेशट्स ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड सो आप इसमें देखो अंडरस्टैंड करो फाइंड करने की कोशिश करो कि जो एक नेकलेस है जो आपको यहाँ पे दिया गया है इसके जो बीड्स है वो क्या होते हैं मन के ठीक है Monkey, जो एक थ्रेड की हेल्प के साथ इसमें ज्वाइन किए गए हैं ठीक है तो ये स्मॉल यूनिट से जो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुई हुई है और उन्होंने एक दूसरे देखो आगे आप ट्राई ये ज्वाइन नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टूगेदर तो मेक ए लॉन्ग चेन ठीक है उसके बाद में आपको ये फिगर नंबर uh, वी जो है वहाँ पे दिखाया हुआ है यहाँ पे कि जो पेपर क्लिप्स हैं ठीक है ठीके? पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको भी आपस में ज्वाइन किया गया और एक शेप बना दी गई एक चेन बन गई है ठीक है वो एक दूसरे के साथ बने हुए जैसे यहाँ पे इसमें इस, इस नेकलेस में इसके मन के परोए हुए एक थ्रेड की हेल्प के साथ तो यहाँ पे इन्होंने पूछा हमसे दे आर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू यस इन दोनों में सिमिलरिटीज है क्योंकि दोनों में जो इन दोनों की जो फॉर्मेशन है वो किसके साथ हुई है स्मॉल यूनिट के साथ जैसे इस नेकलेस में आप देखोगे कि वीड्स हैं मनके हैं ठीक है मनके क्या है स्मॉल यूनिट्स हैं और इनके ज्वाइन होने से ही क्या बना एक स्ट्रक्चर बना एक चेन बन गई लॉन्ग और इसमें पेपर क्लिप्स है पेपर क्लिप्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए तभी उनका एक उनकी एक लॉन्ग चेन बनी ठीक है तो इन दोनों में ये सिमिलरिटीज है कि दोनों स्मॉल यूनिट से बनी हुई हैं आगे देखो ए सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो ए चेन यूनिट्स टुगेदर ज्वाइन टुगेदर जो सिंथेटिक फाइबर है उसमें भी क्या होता है स्मॉल यूनिट्स की चेन होती है जो एक दूसरे के साथ मिली होती है ज्वाइंट होती है ठीक है ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली एक केमिकल सबस्टांस जो स्मॉल uh, यूनिट uh, है हर एक जो स्मॉल यूनिट है वो क्या होती है एक्चुअली केमिकल सब्सटांस होता है ठीक है जो एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया हुआ है मिल, मिला हुआ है एक दूसरे के साथ मैनी सच स्मॉल यूनिट कम्बाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर्स जब केमिकल यूनिट एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रही है और एक लार्ज यूनिट बन रही है उनकी तो उनको हम बोलते हैं पॉलीमर्स अभी इसमें देखो बच्चे मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ कि जैसे हमारे पास ये कार्बन है कार्बन ये क्या हुआ इनका बॉन्ड हुआ एक दूसरे के साथ ही ज्वाइन हो रही है ठीक है पहले ये एक सिंगल कार्बन है ठीक है इसके साथ एक कार्बन ज्वाइंट हो गया उसके बाद इसके साथ एक और कार्बन ज्वाइन हो गया उसके बाद में इसके साथ और कार्बन ज्वाइन हो गया ये इसके साथ ज्वाइन हो गया इसके साथ तो एक लॉन्ग चेन बनेगी इसको हम क्या बोलेंगे पॉलीमर द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्राम टू ग्रीक वर्ड्स पॉलीमर वर्ड का मीनिंग क्या है पॉली मीन्स मीनिंग मैनी पॉली का मीनिंग क्या हो गया मैनी एंड मर मीन्स क्या हो गया पार्ट और यूनिट्स मीन्स की जब तो इसका पूरा मीनिंग क्या हो गया पॉली या फिर मैनी मैनी पार्ट और यूनिट्स मीन्स की बहुत सारे यूनिट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए तो उसको हम बोलेंगे पॉलीमर सो ए पॉलीमर इज ए इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स जो पॉलीमर है वो क्या होगा किससे बना होगा रिपीटिंग यूनिट से मीन कि जो यूनिट दोबारा दोबारा रिपीट हो रही है एक दूसरे के साथ वो ज्वाइन हो रही है ठीक है नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो पॉलीमर्स जो हैं वो नेचर में भी प्रेजेंट हैं लाइक कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज ए पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज जो सेलुलोज है वो भी इसकी एक एग्जाम्पल है सेलुलोज इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ़ ग्लूकोज यूनिट जो किस किसके स्मॉल यूनिट के साथ बनता है ग्लूकोज की जब ग्लूकोज जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रही है कंबाइन होने के बाद उनकी एक लॉन्ग चेन जो है वो फॉर्म हो रही है उसको हम बोलते हैं सेलुलोज आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि पॉलीमर क्या होता है तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर विच इज़ टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स जो सिंथेटिक फाइबर है उसके कौन कौन से टाइप्स हैं फर्स्ट है हमारे पास रायोन रायोन जे भी क्या है एक सिंथेटिक फाइबर है नेक्स्ट है नायोन जे भी एक सिंथेटिक फाइबर है उसके बाद में ये देखो पॉलिएस्टर एंड ए साइप्रिक ये भी जो क्या है सिंथेटिक फाइबर्स हैं चलो अभी हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं देखो स्टूडेंट्स फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं रियोन यू हैव रीड इन क्लास सेवन दैट सिल्क फाइबर फ्रॉम सिल्क वॉम वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना जो आपने क्लास सेवन्थ में इस चीज़ को पढ़ लिया है कि जो सिल्क फाइबर है वो कहाँ से मिलता है सिल्क वॉम से मिलता है ये चाइना में पहली बार डिस्कर्व किया गया था एंड वॉज कैप्ट एज ए क्लोजली कर सिक्यर्ड सीक्रेट फॉर ए लॉन्ग टाइम और चाइना ने ये छुपा कर सीक्रेट जो होता काफ़ी टाइम तक छुपा के रखा फैब्रिक ऑबटेन्ड फ्राम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली क्योंकि जो ये सिल्क फाइबर है वो क्या है बहुत कॉस्टली है वेरी कॉस्टली और उन्होंने इस चीज़ को ट्राई किया कि हम इसको लैब में बना लें इसीलिए उन्होंने ये बात को सीक्रेट uh, रखा बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्चर फैसिनेटेड एवरीबडी बट इसके ब्यूटीफुल टेक्सचर ने क्योंकि सिल्क जो है वो देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है सभी को अपनी ओर अट्रैक्ट किया अटैम्प्ट वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिश आर्टिफिशियली चाइना ने बहुत ट्राई किया कि बहुत अटैम्प्ट की बहुत ट्राई किया लैब में कि सिल्क को आर्टिफिशियली वे में से बनाया जा सके टूवर्ड द एंड ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी सो नाइनटीन सेंचुरी में के एंड तक जो साइंटिस्ट थे वो सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग ए फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क उन्होंने इस चीज़ को बना लिया था एक सिंथेटिक फाइबर जो था उन्होंने बना लिया था जिसकी प्रॉपर्टीज जो थी वो सिमिलर टू द सिल्क थी जिसकी प्रॉपर्टीज सिल्क के सिमिलर थी सच ए फाइबर वॉज ऑबटेन्ड बाई केमिकली ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प जो ये कैमी सिंथेटिकली जो फाइबर जो था वो बनाया गया था सिल्क के लिए उसमें उन्होंने किस ये वाला जो फाइबर था वो केमिकली ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प वुड पल्प जो थी उस पर केमिकली ट्रीटमेंट किया गया उसमें केमिकल्स को ऐड किया गया उसके बाद में उन्होंने ये जो था रेन बनाया जिसमें सिल्क की जो प्रॉपर्टीज थी वो काफ़ी हद तक सिमिलर थी दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेन और आर्टिफिशियली सिल्क इस फाइबर को क्या बोलते हैं रेन और आर्टिफिशियली सिल्क आर्टिफिशली क्यों बोलते हैं क्योंकि ये कैमिकल की वजह से केमिकल्स को यूज करके बनाया गया किसपे वुड पल्प वुड पल्प ऑल्सो रेन इज ऑबटेन्ड फ्राम ए नेचुरल सोर्स वुड पल्प जो वुड पल्प है वो क्या है लकड़ी का एक पार्ट होता है लकड़ी के बीच में से निकाला जाता है फिर भी ये जो आर्टिफिशियली सिल्क था जो रेउन था ये इसका जो सोर्स था वो नेचुरल ही था नेचुरल सोर्स से ही ये बनाया जा रहा था क्योंकि जो वुड है वो क्या है एक नेचुरल सोर्स है यट इट इज़ ए मैन मेड फाइबर उसके बाद में इसको मैन मेड फाइबर ही माना गया क्यों क्योंकि इसमें जो है वो केमिकल्स का यूज किया गया इट इज चीपर दैन सिल्क एंड कैन बी वोवन इंटू सिल्क फाइबर्स ये क्या है सिल्क के कंपेरिजन बहुत चीपर है इसकी कॉस्ट बहुत कम है एंड इसको इजीली सिल्क फाइबर में कन्वर्ट किया जा सकता है स्टूडेंट्स आप ये स्क्रीन पे एक पिक देख रहे हो ये क्या है वुड पल्प जो लकड़ी में से निकाला जाता है जिससे रेन जो है वो बनाया जाता है इस पर केमिकल ट्रीटमेंट करके इट कैन आल्सो वी ड्राइड इन ए वाइट वैरायटी ऑफ कलर्स इसको बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ कलर के साथ जो है वो ड्राई किया जाता है रायोन इज़ ए मिक्स विद कॉटन टू मेक वेड शीट्स और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेंट्स रायोन को जो है कॉटन के साथ मिक्स करके वेड शीट्स वगैरह बनाई जाती है और इसको वूल के साथ मिक्स करके कारपेंट्स वगैरह बनाई जाती है जिसकी पिक आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर थ्री पॉइंट टू में उसके बाद में सिंथेटिक फाइबर की नेक्स्ट टाइप देखो स्टूडेंट्स नायलॉन नायलॉन क्या है इज़ ए अनदर मैन मेड फाइबर इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल मीन्स कि 1931 में नायरॉन को जो बनाया गया था विदाउट एनी यूजिंग रॉ नेचुरल रॉ मटेरियल जैसे हमारा आ, हमारा जो रेन था उसमें वुड uh, पल्प जो थी वो यूज़ की गई थी वुड पल्प जो क्या है एक नेचुरल सोर्स है लेकिन जो नायलॉन uh, था ये क्या बिल्कुल केमिकली uh, जो था वो बनाया गया था इट वॉज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर इसको कोल वाटर एंड एयर की मिक्सिंग के साथ बनाया गया था इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर ये क्या था एक फर्स्ट फुली सिंथेटिक मीन्स कि जिसमें कम्प्लीटली जो केमिकल्स जो थे वो यूज़ किए गए मैन मेड जो कोई भी नेचुरल सोर्स जो था इसमें यूज़ नहीं किया गया नाइलॉन फाइबर वो स्ट्रॉन्ग इलास्टिक एंड लाइट ये क्या था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था इसकी इला जो इलास्टिसिटी थी वो भी बहुत ज़्यादा थी एंड लाइट वेट था इसमें ये इसका जो वेट था वो बिल्कुल ही लाइट था इट वॉश लस्टर्स एंड ईजी टू वॉश इसकी शाइनिंग भी थी एंड वॉश करने के लिए भी जो था इजी था सो इट विकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ वो ये क्लोथ वगैरह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ वी यूज मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन साचे सॉक्स रोप्स टैंट्स टूथ ब्रच्स कारशीट्स बेल्ट कारशीट बेल्ट स्लीपिंग बैग्स एंड कर्टेंस एक्सेट्रा तो ये सारी चीज़ें जो है नायलॉन को यूज करके बनाई जाती है ये स्टूडेंट्स आप पिक्स दे सक देख सकते हो जो जो नायलॉन से बनाया जाता है उसके बाद में स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट पेज पे ये फिगर देख रहे हो थ्री पॉइंट फोर यूज ऑफ नैलोन फाइबर्स इसमें आप दो फिगर्स दिखाई गई हैं नैलोन इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रोक रोक क्लिम्पिंग ए नैलोन थ्रेड इज़ ए केमिकली स्ट्रोंगर दैन स्टील वायर जो नायलोन थ्रेड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होता है नायलोन का धागा स्टील uh, की तारों से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होता है इसीलिए उनको uh, क्लबिंग वगैरह रॉक क्लबिंग के लिए यूज़ किया जाता है एंड पैराशूट्स में यूज़ किया जाता है ठीक है उसके बाद में आपकी बुक में जो एक एक्टिविटी एक है एक्टिविटी में कुछ नहीं है बिल्कुल सिंपल है कि आपने थ्रेड है जिसकी आपने देखनी है कि कितनी स्ट्रेंथ है जो कितना मजबूत है आपने इस स्टैंड के साथ इसको ऐसे लटका के देखना है कि और इस पर जो आप वजन रखते जाओगे देखोगे कि ये कितना सह सकता है अगर वो फ़ाइबर अच्छा होगा तो वो काफ़ी टाइम तक जो है उस चीज़ को आ, हैंडल करेगा अगर वो सही नहीं होगा उसकी क्वालिटी नेचुरल नहीं होगी उसकी क्वालिटी बैड होगी तो वो उस चीज़ को ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करके नहीं रख सकता उसके बाद में आपको ये टेबल दिया गया है थ्री पॉइंट टू इसमें आपने जैसे लिखा हुआ है सीरियल नंबर टाइप्स ऑफ थ्रेड फाइबर्स टोटल वेट रिक्वायर टू ब्रेक द थ्रेड कितना वेट चाहिए इस थ्रेड को ब्रेक करने के लिए तो आप उसका एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओगे जैसे पहले आपने कॉटन के साथ किया आपने इस पर जो ये है ना आपका आपको दिख रहा है इस पे आपने कॉटन रखना है और देखना है कि कितना कॉटन चाहिए इस थ्रेड को ब्रेक करने के लिए उसके बाद जो सेकंड है वो है वूल उसके बाद आपने यहाँ पे वूल रखनी है फिर आपने यहाँ पे सिल्क के साथ करना फिर आपने नायलॉन के साथ करना आप कोई भी इन जो आपको ये फाइबर्स दिए गए हैं इनका आप कोई क्लॉथ वगैरह या थ्रेड कुछ भी लेके यूज़ कर सकते हो ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो तो आपने यहाँ पे लिखना है कि कॉटन का कितना वेट चाहिए आपको कितना वेट लगा आपको इस थ्रेड को ब्रेक करने के लिए फिर यहाँ पे आप वूल का लिखोगे यहाँ पे आप सिल्क का लिखोगे और यहाँ पे आप नायलॉन का लिखोगे ठीक है उसके बाद में उसके बाद में ये थर्ड टाइप देखो स्टूडेंट्स पॉलीस्टर्स एंड एक पॉलीस्टर्स इज ए अनदर सिंथेटिक फाइबर्स फाइब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट रिंकल्ड इजीली इट रिमेन्स क्रिस्प एंड ईजी टू वॉश सो इस तरह के फाइबर से जो कपड़े बने होते हैं उनमें ईजीली रिंकल्ड नहीं होते हैं उनमें बल नहीं पड़ते वो सीधे रहते हैं क्रिसअप रहते हैं एंड वॉश करने के लिए भी ईजी होते हैं सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटीरियल इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा सुटेबल होते हैं ये ड्रेसिंग मटीरियल बनाने में ड्रेसिज बनाने में यू मस्ट हैव सीन सम पीपल वेयरिंग पॉलीस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसिस आपने अक्सर देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लोग जो होते हैं पीपल जो होते हैं वो पॉलीस्टर की शर्ट्स एंड अदर ड्रेस जो है वो पहनते हैं क्यों पहनते हैं क्योंकि इनमें जो रिंकल्स हैं वो नहीं पड़ते इजीली इनको आयरन नहीं करना पड़ता टेरेलीन इज ए पॉपुलर पॉलीएस्टर अगर आप किसी शॉप पे जा रहे हो आप बोल रहे हो कि हमें पोलीएस्टर से बना हुआ कपड़ा चाहिए तो आप ऐसे नहीं बोलोगे आप बोलोगे टेरेली टेरिलीन इसका एक पॉपुलर पॉलीस्टर है इसी की एक अनदर फॉर्म है जिसको मोस्ट ऑफ द पॉपुलरली यूज किया जाता है इट कैन बी ड्रॉन इन टू वेरी फाइबर्स दैट कैन बी वो वन लाइक एनी अदर चांद इसको uh, जो चांद की तरह कन्वर्ट किया जा सकता है गूंदा जा सकता है ठीक है उसके बाद में देखो पैट पैट की फुल फॉर्म क्या है पॉली एथलिन टैट्राथैलेट इज ए वेरी फैमिलर फॉर्म ऑफ पॉलीएस्टर ये भी क्या है पॉलीएस्टर की ही फॉर्म है जिसमें जिसकी प्रॉपर्टी जो है पॉलीएस्टर की तरह ही है इसको यूज़ किया जाता है इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स यूटेस फिल्म्स वाइस एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स इनमें इनकी फॉर्मेशन में इस पैक्ट को यूज़ किया जाता है जिसकी प्रॉपर्टीज किसकी है किसकी तरह है पॉलीस्टर की तरह लुक अराउंड एंड मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ़ पॉलीस्टर आप अपने आले दुआले देखो और उन सभी चीज़ों की लिस्ट बनाओ जो पॉलीस्टर से बनी हुई है उसके बारे में अभी थोड़ा सा पॉलीएस्टर के बारे में और पढ़ती हैं पॉलीएस्टर पॉलीएस्टर का मीनिंग क्या है पॉली प्लस एस्टर इनके कॉम्बिनेशन से बना पॉलीएस्टर इस एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए केमिकल केमिकल्स कॉल्ड एन एस्टर जो एस्टर की रिपीटिंग यूनिट के साथ ये बना है रिपीटिंग यूनिट मिन की एस्टर जो है एक दूसरे के साथ कन, जो है ज्वाइंट हुआ उसके बाद में एक यूनिट बना पॉलीमर बना उसको उन उनके कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट बना उसको बोलते हैं पॉलीएस्टर एस्टर्स आर द केमिकल्स विच के फ्रूट्स या आर स्मैल फाइबर्स आर सोल्व बाय नेम लाइक पॉलीकॉट पॉलीबूल, टेरिकॉट एक्सेट्रा एज द नेम्स उगेस्टर दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स पॉलीकॉट इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलीएस्टर एंड कॉटन पॉलीवुल इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलीएस्टर एंड वूल सो आप देख सकते हो कि ये जो है इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है पॉलीकॉट पॉलीवुल टैरिकॉट इनके नेम से ही पता चलता है कि ये किन दो तो चीज़ों का मिक्सचर है जैसे पॉलीकॉट जो है वो पॉलीएस्टर एंड कॉटन का मिक्सचर है पॉलीवूल जो है वो पॉलीएस्टर एंड वूल का मिक्सचर है ठीक है तो पॉलीएस्टर क्या है एक दूसरे जो एस्टर की रिपीटिंग यूनिट्स होगी उनके कॉम्बिनेशन से ये बनता है उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है पॉलीकॉट ये पॉलीवुल्ड ठीक है इसका मतलब क्या है कि इन, तो, इनके दोनों के कॉम्बिनेशन से ही ये बनता है इसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स अभी उसके आगे देखो स्टूडेंट्स वीवियर्स स्वेटर्स एंड अदर शापल्स ब्लैंकेट्स इन विंटर मैनी ऑफ दिज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल टू मैनी अपीयर टू रिजेंबल वूल दीज आर सेज आर प्रपेयर फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड ए क्रेलिक सो अगर जो आप सर्दियों में ज़्यादातर कपड़े स्वेटर शाबल्स ब्लैंकेट्स वगैरह पहनते हो वो एक्चुअली नॉर्म नेचुरल वूल से नहीं बना होता है वो अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक वुल से बना होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रेलिक इस टाइप के सिंथेटिक फाइबर से जो हमारे सर्दियों के कपड़े हैं वो बने होते हैं द वूल ऑबेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव वी आर एज अदर मेड साइक्लिक आर रियलेटिवली चीप सो स्टूडेंट्स जो बूल होती है हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है महंगी होती है इसीलिए वो इजीली अफोर्डेबल नहीं होती लेकिन जो बूल होती है हम केमिकली मॉडिफाइड करते हैं ठीक है केमिकली सिंथेटिकली बनाते हैं उनको वो जो होती है वो बहुत चीप होती है ईज़िली मिल जाती हैं दे आर अवेलेबल इन ए वाइटी ऑफ कलर जो एकलिक होती है वो पॉलीस्टर्स होती है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑफ वेराइटीज़ में अवेलेबल होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स आर ड्यूरेबल एंड एफर्डेबल बिच मेक्स दैम मोर पॉपुलर दैन नैचुरल फाइबर्स जो सिंथेटिक हैं durable काफी टाइम तक चलते हैं एंड एफोर्डेबल होते हैं easily afford कर सकते हैं बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट नहीं होती इनकी इसीलिए ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं than natural फाइबर्स से उसके बाद में स्टूडेंट्स देखो यू हैव ऑलरेडी performed an एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स एक्टिविटी थ्री पॉइंट सिक्स ऑफ क्लास सेवन्थ आपने क्लास सेवन्थ में एक एक्टिविटी परफॉर्म की है थ्री पॉइंट सिक्स जिसमें आपने देखा आपने वर्निंग की है नेचुरल फाइबर की एंड सिंथेटिक फाइबर की उसमें आपने देखा व्हाट डिड यू ऑब्जर्व उसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया वैन यू वर्न सिंथेटिक फाइबर यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ द नेचुरल फाइबर्स जब आपने इनको जैसे आपके पास एक नेचुरल फाइबर है सेकेंड वन आपके पास सन्थेटिक फाइबर है ठीक है नेचुरल जैसे आपके पास वूल होगी कॉटन हो गया कुछ भी हो गया सेकेंड आप जैसे आपके पास नायलॉन हो गया रिओन हो गया पॉलिस्टर्स होगी कोई भी टाइप पैट हो गया ठीक है कोई बॉटल्स वगैरह हो गई आपने उनको जो है जला दिया जलाने के बाद आप लोगों ने उसकी उनके बिहेवियर में कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफ फ्रेंड्स जो है आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हिटिंग जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो मेल्ट करते हैं दिस इज एक्चुअली ए डिसडवाटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर जो सिंथेटिक फाइबर है एक्चुअली ये उनकी बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो मेल्ट करते हैं जब हम उनको गर्म करते हैं जलाते हैं लेकिन जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं ठीक है दिस इज एक्चुअली डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर इफ़ द क्लोथ्स कैच फायर इट कैन बी डाइस्टोर्स द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन बियरिंग इट मीन्स कि जिस पर्सन ने uh, जो ये सिंथेटिक फाइबर के बने हुए कपड़े जो है वो पहनी होंगी उस पर अचानक से uh, उनके कपड़े जो है वो फायर को कैच कर लेते हैं कैच करने के बाद क्या होगा कि उनके कपड़े जो उनकी बॉडी के साथ स्टिक हो जाएंगे उनकी बॉडी के साथ चिपक जाएंगे तो ये सिंथेटिक फाइबर की जो है बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है जो नेचुरल फ़ाइबर होता है जब उसे आग लगती है तो वो पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हो जाता है सो वी शुड देअ फोर नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ बाइल वर्किंग इन द किचन और इन लेबॉरट्री सो जब हम अपने किचन में काम कर रहे हैं या फिर किसी लेबॉरट्री में कोई वर्क कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम तब कोई भी सिंथैटिक फाइबर के क्लोथ को ना पहने हम वहाँ पे कॉटन के बने हुए कपड़े पहन सकते हैं जो नेचुरल फ़ाइबर से बने हो ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जब हम अपने किचन में या फिर लेबोरेटरी में वर्क करें क्योंकि जो सिंथेटिक फ़ाइबर होते हैं वो फायर को कैच करके क्या करते हैं मेल्ट हो जाते हैं मेल्ट होने के बाद वो बॉडी के साथ चिपक जाते हैं स्टिक हो जाते हैं जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है इसी हमें किचन में या लेबॉट्री में वर्क करते हुए नेचुरल uh, फ़ाइबर से बने हुए कपड़े ही पहनने चाहिए सो so, स्टूडेंट्स इसके साथ ही हम इस वीडियो के इस पार्ट को ख़त्म करते हैं उसके बाद में हम हमारे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बढ़ेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइबर टू फैब्रिक थैंक यू सो मच